मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में है। चहुं ओर त्रेता युगीन आभा से युक्त अयोध्या में इस वक्त राम भक्तों के आगमन के साथ साथ कई तरह के उपहारों के पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार सदियों के इंतजार और लंबे संघर्ष के बाद राम भक्तों का सबसे बड़ा सपना जो पूरा होने जा रहा है। ऐसे में देशी नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य कौशल्या सुत प्रभु रामलला को भक्तिपूर्वक कई उपहार अर्पित करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाँव वडनगर से 10 युवक पैदल चलकर अखंड ज्योति लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। गुजरात वडनगर के हटकेश्वर महादेव के मंदिर से चलकर ये अखंड ज्योति राम मंदिर मॉडल के साथ अयोध्या पहुंची है। आपको बता दें कि भगवान रामलला के मंदिर का ये मॉडल बनने में लगभग एक हफ्ते का वक्त लगा। इन राम भक्तों ने लगभग 1300 किलोमीटर का सफर 48 दिनों में तय किया है। इस ज्योति को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए राम भक्त पवन चौधरी ने बताया कि पूरे देश में ये संदेश देना हमारा उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं कि जब 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो तो हर घर में दीपावली मनाई जाए और प्रभु राम का स्वागत हो। ये यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गांव हटकेश्वर महादेव मंदिर से एक अखंड ज्योत लेके हम निकले थे और पैदल यात्रा करके हम 10 यात्री गुजरात से कल यहां अयोध्या आ पहुंचे हैं। और रास्ते में आते हुए सभी गांवों में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेशा भेजा है कि सभी लोग 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो तो अपने घर पर दिया जला के प्रभु श्री राम का स्वागत करें और दीपावली मनाएं। यहाँ आने में 48 दिन लगे हैं और ये अखंड ज्योत है जो हम 27 नवंबर को वहाँ से निकले थे, तब से लेकर अभी अखंड चालू है और यहाँ जन्मभूमि में 22 तारीख तक 23 तारीख तक रह के 23 तारीख को दर्शन करके फिर हम यहाँ से गुजरात जाने वाले हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता से आग्रह किया है कि 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं और घरों में दीप जलाएं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में शाम के समय घर पर, घाटों पर और मंदिरों में दीप जलाने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही राज्य के सभी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों की साज सज्जा का भी आदेश दिया है। प्रदेश में 22 जनवरी को दीपावली की तरह ही उत्सव मनाने को कहा है। साथ ही प्रदेश की जनता भी इस दिन के लिए काफी उत्साहित है। बताते चले कि रामनगरी अयोध्या समेत पूरा विश्व 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण का साक्ष बनने जा रहा है, जिसकी प्रतीक्षा पिछले लगभग 500 वर्षों से हर राम भक्त को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में सभी राम भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में सभी राम भक्त भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामनगरी में अपने संग कई उपहार लेकर इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने पहुंच रहे हैं। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।